स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 की स्टेटमेंट्स करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर फाइंड है। तो इसमें टू नंबर का डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है। तो लेट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी एफ और लेट सेकेंड नंबर बी वाई। इसमें हम लार्जर नंबर भी इसको लिख सकते हैं, लार्जर नंबर स्मॉल नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26 मीन्स एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। ये इक्वेशन वन और सेकेंड जो इक्वेशन है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर, मीन्स जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर के 3 टाइम्स। तो ये इक्वेशन टू बन गई। अब एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन वन में पुट करके हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट एक्स इक्वल टू 3y इन इक्वेशन वन। फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, तो x की वैल्यू 3y पुट करेंगे, माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26 बाय 2 30। y की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। y की वैल्यू हम इक्वेशन वन या टू जिसमें मर्जी पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम सेकेंड इक्वेशन पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन टू। सेकेंड इक्वेशन पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन है x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3, y की वैल्यू 13 है और x इक्वल टू 39 आ गया। नीचे लिखेंगे पेयर फॉर लार्जर नंबर इक्वल टू 39, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 30। इतना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट करेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 80 डिग्री फाइंड दैट। सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेट करेंगे, लेट लार्जर नंबर और लार्जर एंगल बी एफ, लेट स्मॉलर एंगल डी y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। तो x इक्वल टू y प्लस 18, यहाँ पे हमारे पास दोनों नंबर इक्वल हो गए, दोनों एंगल इक्वल हो गए क्योंकि लार्जर एंगल 18 बड़ा था स्मॉलर से, तो हमने उसमें 18 ऐड कर दिया। तो यहाँ पे इक्वेशन वन बन जाएगी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18, ये इक्वेशन वन बन जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन हमने देखा कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री हमें पता है कि 180 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। इक्वेशन टू सम लिखेंगे, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, अब दोनों इक्वेशन कंप्लीट होगी। अब यहां से हम जो मर्जी मेथड, तीन मेथड हमने किए हैं, तो उसमें से कोई एक मेथड लगा के हम वैल्यू निकाल लेंगे एक्स और वाई की। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल सूट करेगा, एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू 18, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 इक्वेशन वन और टू। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, इसमें यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल सेम है और साइन चेंज करने सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन वन में से
टू माइनस के, माइनस टू वाई आ गया इक्वल टू माइनस 162, माइनस माइनस कट जाएगी, वाई इक्वल टू 162 अपॉन टू, वाई की वैल्यू 81 आ गई। अब वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या सेकंड में पुट करेंगे, जहां से मर्जी निकाल के, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। सेकंड पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ये है प्लस y इक्वल टू 180, तो यहाँ पे है प्लस y की वैल्यू 81 पुट करेंगे इक्वल टू 180, x की वैल्यू निकालेंगे 181 माइनस 81, ये 180 सॉरी 180 है इक्वल टू 180, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 में से 19 और 19 में से सॉरी 17 में से 9 99, ये फॉर इसे लिखेंगे लार्जर एंगल इक्वल टू 99, स्मॉलर एंगल इक्वल टू 81। ओके थैंक यू।